भी सीखना है, अमल सीखना है, मोहब्बत तरीके पर जिंदगी गुजारना है। अल्लाह पाक ने हमें और आपको ईमान की दौलत का फरमा कर पूरी दुनिया के लिए नुमाइंदा बनाया है, नमूना बनाया है। हमारी बात से अगर किसी किस्म की कोताही गलती होगी तो दुनिया उसको नोट करेगी और कहेगी कि ऐसे नहीं। हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी बात माने, तो पहले हमें भी दूसरों की बात मानना चाहिए। अगर हम किसी की बात मानने का जज्बा अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे तो क्यों उम्मीद लगाते हैं कि दुनिया हमारी बात माने माने। मैंने गुजारिश किया था कि मस्जिद में जलसे के रोज असर जहाँ जवाब यानी असर की नमाज में कोई मर्द इस दरवाजे से मस्जिद में नहीं जाएंगे। वहाँ लिखा हुआ बाब खवातीन औरतों का दरवाजा और मर्दों को मेन गेट से जाना है। ये गुजारिश किया था मगर लोगों ने नहीं माना। लोग बंद होने गेट बंद होने के बावजूद तकलीफ उठाकर इसी गेट से निकलेंगे, तो अगर भूख कर आना गवारा नहीं है। कोई बहुत अच्छी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, मुझे अंदर से तकलीफ हुई इसलिए कह रहा हूँ। आइंदा फिर मैं ख्याल मैं गुजारिश करता हूँ कि इसका ख्याल रखें। बस एक रोज की बात है, इसमें आपकी सरबुलंदी है, आपकी इज्जत है, दुनिया जहाँ में आपकी लोग तारीफ करेंगे कि हम बड़ा जगह गए थे, वहाँ के लोग इतने गिरे गिर वाले थे। अभी मगरिब की नमाज के लिए या इशा की नमाज के लिए तमाम मर्द हजरात नमाजी मेन गेट पे मस्जिद में जाएंगे। ये कुतुबुद्दीन लेन वाला दरवाजा सिर्फ औरतों के लिए मखसूस है, ये औरतें इस दरवाजे से ऊपर चली जाएंगी। औरतों से भी गुजारिश है कि आप दीन की बात सुनने के लिए आई हैं। अल्लाह ताला ने 3 साल के बाद आपको ऐसा मौका इनायत फरमाया है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुजुर्ग बड़े बड़े उलमाए कराम आपके यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। आप उनकी बात को सुनकर जितना फायदा उठाना उठा लें। ये मौका रोज नहीं आता, 3 साल के बाद आया, फिर पता नहीं कब आया। तो ऊपर मस्जिद में दौड़ना भागना बातें करना मुलाकात करना यही वहाँ बहाना है मुलाकात का, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। एक तो वो मस्जिद है अल्लाह का घर है, उसका अदब सब पर लाजिम है। दूसरी चीज, आप दीन की बात सुनने के लिए उलमाए किराम की बातों को सुनने के लिए आई है, तो आपको मस्जिद का हर हाल का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी अभी मस्जिद के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। रोड पर इधर उधर देखना भी गुनाह है। इधर मैं अपने बच्चों से फिर एक बार कहता हूँ, कोई बच्चा कोई बच्ची यहाँ के अदब के खिलाफ कोई बात सामने नहीं आनी चाहिए। इसमें हाफिज बच्चियाँ भी हैं, छोटी बच्चियाँ भी हैं। अगर छोटी बच्चियाँ करार रख लें तो बड़ी बच्चियाँ उनको समझा दें, लड़ना झगड़ना नहीं है, दौड़ना भागना नहीं है, बातचीत तो होते ही नहीं। बस सवा 4 हो गया है और 60 मिनट का प्रोग्राम है। देखते प्रोग्राम कराने वाले शाहिद कहाँ है? अब आपके सामने एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और ये बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चा ही चलाएगा, बच्चों ही सब कुछ पेश करेंगे, आप काम देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس عظیم الشان جلسہ سیرت النبی و دستار بندی کی تین حصے طے ہوئی ہے۔ اس پہلے حصے میں مدرسہ میں زیر تعلیم حفظ و ناظرہ کے معصوم بچوں بچیوں کا تعلیمی مظاہرہ پیش ہوگا۔ یہ بچے آپ کے اور قوم کی امانت ہے، ان کو دینی ماحول میں دینی تعلیمات سے آراستہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ معصوم بچے اپنے پروگرام کا حسین گلدستہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ان کو سنیں اور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ دعا دیں گے
تو گلنا کسی تاخیر کے حق اس اجلاس کی پہلی نشست کے صدارت کے لیے جناب افضال مولانا افضال خان صاحب کا نام پیش کرتا ہوں امید ہے کہ آپ تائید فرمائیں گے اس جلسہ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک معصوم سی بچی ولادت کا